मुंबई में हो रही है झमाझम बरसात, तो दिल्ली वाले आसमान की ओर देख रहे हैं कि भैया बरस जाओ, नहीं बरस रहे। तो ऐसे में आपको अगर डे आउट करना है ना, तो डे इन कीजिए, यानी कि किसी से घर में जाके मिलिए और तसल्ली से वक्त बिताए, जैसे कि आज आप और हम मिलकर बिताने वाले हैं गुल्लक के अनु यानी वैभव राज गुप्ता उनके साथ। आपको नहीं पता SBS ओरिजिनल्स मेरे घर आए, आ जाइए। आपको अन्नू के बारे में तो पता है, लेकिन वैभव राज गुप्ता के बारे में नहीं पता है, तो आई थिंक ये लोग तो मुझसे पूछेंगे कुछ। और मैं अपना घर वर दिखाने वाला हूँ और जो मैं करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और कैसे मैं एज एन आर्टिस्ट रहता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये मेरा घर है, यहाँ मैं पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, और ये बहुत प्यारा सा, मतलब दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट, जहाँ पे मैं बैठ के कुछ नहीं करता। तो जितने भी मेरे फैंस हैं, मतलब अधिकतर लोगों को पता है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं सुबह उठ के करता क्या हूँ। वैसे तो मैं डाल देता हूँ सब इंस्टाग्राम पे, बट आज आप लोग आए हैं मेरे घर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कोने में बैठ के मैं क्या क्या करता हूँ। सो एज यू नो दैट दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट वेयर आई सिट एंड राइट माई मॉर्निंग पेजेस। यह मैं ना 2-4 साल से एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, द आर्टिस्ट्स वे, जूलिया कैमरॉन की, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसकी कुछ चीज़ें। तो ये मॉर्निंग पेजेस जो आपने अभी देखे होंगे, सो दिस इज़ बेसिकली आई राइट 3 पेजेस एवरी डे एंड मॉर्निंग्स, बिकॉज मॉर्निंग्स में आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता, आपके थाट्स प्योर होते हैं, और मॉर्निंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो आई वेक अप, आई ड्रिंक माई कॉफ़ी and then I just write 3 pages every day. So I've been writing this, it's been 3 years, so I have like diaries of, and plus this is my best friend, so I can share anything, everything here. And so I as an artist, I think these are the things which makes me sane. So I'm like I'm very happy when I write this, mostly morning. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुझे पर्सनली विंटेज स्टाइल बहुत पसंद है, और ये आपने पेंटिंग वेंटिंग देख रहे हो, इसको मैं, ये मतलब ये जो हॉल है ना, मैं यहीं पे मिलूँगा तुम्हें, क्योंकि मैं रूम ज़्यादा यूज़ नहीं करता, एंड जब मेरे पास काम और ये सारी चीज़ें नहीं थी, और मैंने घर ले लिया था, वो पैसे भी नहीं थे, तो माई ब्रदर हु सपोर्टेड मी सो मच, एंड आई टोल्ड हिम दैट कोई नहीं भाई, ले लेते हैं और देखा जाएगा। और मेरे पास 0 था पैसा, और उसके पास जो भी पैसा था, तो उसने बोला यार ये महंगा घर ले रहे हैं और कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं ही देता रह जाऊंगा। मैंने बोला नहीं, ट्रस्ट करो, हो जाएगा। एंड मैं आया यहाँ पे 0 पैसे से, काम नहीं था, कुछ नहीं था, एंड जैसे ही मैं इस घर में शिफ्ट हुआ, माई होल करियर चेंज्ड एंड आई स्टेड हियर, लाइक मैंने उसे कसम खाई थी, और एक और सोफ़ा हुआ करता था यहाँ पे, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं रूम में नहीं सोऊंगा जब तक मुझे कुछ, मेरा कुछ हो नहीं जाता। तो मैं 1 साल तक मैं या तो यहाँ पे सोता था ज़मीन पे, या मैं सोफ़े पे सोता था, और मैं रूम में जाता ही नहीं था, मतलब मैं जाता था इन द सेंस सोने नहीं जाता था, बाकी मैं, तो मेरा इस हॉल से बहुत वैसा कनेक्शन है, मेरा मॉर्निंग पेजेस यहीं होता है, मेरा रीडिंग यहीं पर होता है। सो मेरी लाइफ में जो जो अच्छी चीज़ें आई हैं, इस घर ने मुझे बहुत, ये घर बहुत लकी रहा है मेरे लिए, और ये जैसा भी है, इसमें ना मैंने पेंटिंग कराई है 5 साल से, ना मैंने कुछ चेंज कराया है, जो जैसा आना टेढ़ा तिरछा है
मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो पेंटिंग्स लगाई हैं मैंने अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे बाबा की पेंटिंग्स हैं जो कि कुछ 70 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, तो मेरे मैं अपने गांव से लेके आया था उसे, और फिर मैं अपने बर्थडे पे अपने आप को ये सारी पेंटिंग्स गिफ्ट की थी। घर के सारे कोने दिखाता हूँ। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जिनसे मैं सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ, ये मेरे बाबा हैं, ग्रैंडफादर, ये मेरी ग्रैंडमदर है। तो ये बहुत अच्छे पेंटर आर्टिस्ट, इन्होंने इनकी फ़ोटो बनाई थी, बहुत सालों पुरानी है, लाइक होगी कुछ 60-70 साल। ये मेरा किचन है जो कि ओके किचन है, जिसको दीदी साफ़ सफाई रखती हैं अगर रख पाती हैं तो। ये माइक्रोवेव है जो कुछ 6 महीनों से ख़राब पड़ा हुआ है, इस पे अंडे हैं जो चूहे उठा के ले जाते हैं। ये मेरे डे टू डे के शूज़ है जो मैं रोज़ जो आजकल बारिश है तो मैं ऐसे ही पहन वहन के निकल जाता हूँ। यहाँ योगा और जिम का कुछ रखा हुआ है। ये मेरा मेरे भाई का रूम है और इधर बाथरूम वगैरह है। ये साड़ी है, उसका पर्दा बनवाया था मैंने, दीदी ने खुद हाथ से बनाया अपने। ये जो एरिया है ये भी मेरे बाबा की पेंटिंग्स हैं सारी। ये जो एरिया है, ये जो किताबें आप देख रहे हो, ये सारी मेरी किताबें हैं। और ये जो ये सेक्शन आप देख रहे हो, ये अभी तक 12 साल हो गए हैं मुझे बॉम्बे में, तो 12 साल से जितने भी नाटक, जितनी भी स्क्रिप्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है वो सारी यहाँ पे। और हाँ, ये मेरी खुद की बनाई हुई पेंटिंग है जो मैंने कुछ 3 साल पहले खुद से बनाई थी, पैसे भी कमाए, बेची मैंने। बट ये गॉडफादर है, ब्रांडो को मैंने बनाया। गुल्लक रखी हुई है, किसी दोस्त ने मुझे एक गुल्लक गिफ्ट की थी गुल्लक के दौरान। हाँ, तो गुल्लक एक भी, ओह कुछ पैसे भी हैं इसमें। तो ये संदीप धवाले करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ये गुल्लक गिफ्ट किया, जो कि अभी तक मैंने थैंक यू नहीं बोला है उसको। सो थैंक यू अन्नू। क्या बोलेंगे अन्नू, ये बोलेंगे कि गुल्लक एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए भी, सिर्फ अन्नू के लिए, मतलब एज एन ऑडियंस मेरे लिए गुल्लक बहुत ज़्यादा पर्सनल है यार, और बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया है मेरी लाइफ का, एंड बहुत पर्सनल परफॉर्मेंस है, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ सीरीज़ यार। मतलब जब भी मैं गुल्लक को देखता हूँ, मैं गुल्लक बहुत बार देख चुका हूँ खुद भी, मुझे बस यही लगता है कि यार आई एम वेरी लकी, एंड आई एम लकी कि मैं वो ज़िंदगी जी चुका हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को बहुत पर्सनल अपने तरीके से उसको निभा पाता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुल्लक। मतलब गुल्लक की वजह से ही मैं, मतलब लोग मुझे जानते हैं, और अभी मेरा शो आया था माई, जिसकी वजह से और लोग जानने लगे, एंड ये दोनों शो एक साथ आए तो ऑडियंस और मीडिया और जो हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, एटलीस्ट वो हो गया कि लोगों को ये पता चला कि अच्छा हाँ, ये एक एक्टर है जो डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, एंड ही इज़ ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। तो आई एम वेरी हैप्पी, एंड गुल्लक इज़ फॉर मी इवन अ बेंच मार्क फॉर माई करियर। ये मेरी मदर ने गिफ्ट किया है यार, वो धर्मशाला गई थी, वो भी सोलो ट्रैवलर है बाय द वे, तो वो भी ऐसे निकल जाती हैं कहीं अपनी किटी पार्टी वार्टी के फ्रेंड लोगों के साथ, वो पता नहीं क्या गुड्डा गुड़िया लेके आए थे, ये देखो ना कितने क्यूट से, तो मैं इनको यहाँ पे टांग दिया, तो ये यहीं पे टंगे हुए हैं पिछले 1 साल से। यार मेरा फेवरेट, अब मैं यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करने लगा हूँ। ये मेरा बेडरूम है, ये एक छोटा सा बेड है, और यहाँ से हमें खुली खिड़कियाँ हैं, यहाँ से हमें काफ़ी कुछ दिख जाता है। ये टीवी है, ये मेरा जूतों का कलेक्शन है जिसके ऊपर वायर हैं, क्योंकि मैं
यहाँ पे बैठ के लैपटॉप पे फिल्में वगैरह देखता हूँ, तो मैं हटा देता हूँ तो आप देख लो। थैंक यू। ये सब जूते हैं यार, मुझे जूतों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये सारे लाइन से जूते, और भी जूते बेड के नीचे हैं, कुछ जूते वहाँ पे हैं, कुछ जूते आने वाले हैं, तो आई थिंक मुझे जूतों का एक्चुअली बहुत ज़्यादा शौक है। ये मैंने गुल्लक के लिए जीता था, तो ये ब्लैक लेडी मेरे पास ही रहती हैं, इन्हीं के साथ हम बातें बातें करते रहते हैं और ट्राई कर रहे हैं कि इस साल भी मिल जाए यार एक और। मज़ा आ जाएगा। बट दिस इज़ द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट फॉर मी एंड दिस विल बी स्पेशल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज इससे पहले मैंने एक्टिंग में कुछ भी नहीं, कभी कुछ नहीं जीता था, सो ये जब मुझे मिला तो बड़ा शिट यार, बहुत सही है यार ये है। और मेरी एक फ्रेंड है, ऋषिकेश में गया था, कोमल नाम है उनका, उन्होंने मुझे ये वहाँ का पत्थर होता है ना, वो पत्थर पे उन्होंने खुद से लिख के दिया था, बड़ा प्यारा सा, देखो ना मैसेज भी लिखा है। कॉफ़ी ले लेता हूँ फिर से एक बार, बेड के नीचे काफ़ी कचरा है। कॉल हैप्पी ड्रम बिकॉज ये आपके हैप्पी मतलब इट क्रिएट्स हैप्पीनेस, मतलब आई फील गुड अबाउट इट व्हेन एवर आई, जब भी मैं बजाता हूँ, अगर आप 10 मिनट ही बजाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा पहला SBS Originals के साथ होम टूर था, आई होप आप लोगों ने मेरे साथ इन्जॉय किया हो, बट मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी इन्जॉय किया, एंड आई होप आपको मेरा ये छोटा सा कैफ़े कम द आर्टिस्ट कैफ़े पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। ABP News, आपको रखे आगे।